अंगूठा तो उधर है भाई, चप्पल का ये सोल है, सोल तक भी नहीं हाइट जा रही है। तो ये भाई अंदर की साइड से तो ऐसा लग रहा है कि कोई एयरपोर्ट है भाई। यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा आता था। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और कल हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं जा पाए थे, तो आज हम लोग जाएंगे। 8 बजे से ओपन हो जाता है और शाम को 8 बजे तक रहता है। सबसे पहले यहाँ से निकलते भाई, क्योंकि 8 बजे ओपन हो जाता है। अभी तक हमने ऑनलाइन टिकट नहीं निकालना है, और जो कि पहले निकालना होता है वहाँ पे जाके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी टिकट अवेलेबल होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद लाइन भी लगाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम लोग जल्दी जाएंगे वहाँ पे, टिकट निकालेंगे, उसके बाद घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे। तो भाई ये इनका प्रॉपर्टी है, बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। कल भी मैंने वीडियो में दिखाया था, तो आज भी दिखा देता हूँ। जो लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चलेगा, और जो लोग लास्ट वाला वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही है। तो ये इनका प्रॉपर्टी है भाई, आगे टेंट स्टे जैसा है, और यहाँ पे इस टाइप के कॉटेजेस बने हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा सही है भाई, और बहुत बजट में ये जगह हमको मिल गई थी। और बीच में यहाँ पे स्विमिंग पूल है जो कि चालू नहीं है, वहाँ पर एक चेयर है बैठने के लिए, और बीच में यहाँ पर चेयर है थोड़े बहुत बैठने के लिए। जैसे रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं ना इस साइड में, सेम वैसे ही रूम्स इस साइड में बनाए गए हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमको पड़ी थी ना, मात्र 1000 रुपए में पड़ी थी भाई, आप बिलीव कर सकते हो। इतना अच्छा प्रॉपर्टी हमको सिर्फ 1000 रुपए में पड़ा था। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, सोमनाथ इन करके है, कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो आप इनको कॉल करके यहाँ पे अगर आ रहे हो स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पे आके रुक सकते हो। एक होटल देखो भाई यहाँ पर है, और कोई भी छोटे होटल्स नहीं है भाई, सारे बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे। इस साइड में देखो अभी बहुत सारे बन भी रहे हैं। यहाँ पर कल हम लोग डिनर किए थे, इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, लेकिन खाना उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था भाई। तो ये भी एक होटल ही है भाई, देखो ये वाला होटल अच्छा था, इनके रूम भी अच्छे रहे होंगे, हम तो रूम में नहीं रुके थे, बट इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, बट इनका खाना उतना टेस्टी नहीं था भाई। मे बी वो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो यहाँ का। तो यहाँ से ये मेन जो जगह है ना वो स्टार्ट हो जाती है, और ये है भाई वो रेलवे स्टेशन। रात को इतना सही ये लग रहा था, दिन में तो उतना कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन रात को ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था, और लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रखी है। इसमें पेट्रोल पम्प भी है और CNG पम्प भी है बाजू में, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो थोड़े बहुत फूड कोर्ट्स वगैरह हैं, तो मुझे लगता है कि इस जगह को, और यहाँ पर देखो भाई मैकडॉनल्ड्स है। पार्किंग इधर से ही है क्या? ये पीछे वाला है। पीछे वाला है क्या? उधर से कौन सा ऑटो पड़ी है ना वो, और टैक्सी। हाँ ओके, इधर से यू टर्न कर लेता हूँ सर। सो गाइज यहाँ पे इनका पार्किंग है, पहले हमको गाड़ी यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग हमको बस से लेके जाएंगे। तो भाई जो भी टिकट का रेट्स है ना वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। SOU एंट्री टिकट 150 रुपये। तो भाई बस भी बहुत सही है, मतलब यहाँ पे सुविधा ना बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी सुविधा है। और ये टिकट मैं बताता हूँ आपको, 2 हमने लिया है जंगल सफारी का, और 2 टिकट लिया है हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी का। ये पीछे दिख रहा है भाई, सही था भाई ये जगह, बहुत ही ज़्यादा सही है भाई, घूमने वाली जगह अगर सच्ची बताएं तो। इलेक्ट्रिक बस थी तो बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा था इसमें से। और यहाँ से देखो ये कुछ इस तरह का दिखता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू। यहाँ से एंट्री है, एंट्री एंड विविंग गैलरी विजिटर्स। यहाँ से भाई जेंट्स का एंट्री है, ये भी है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे चेक होगा बकायदा। तो ये भाई अंदर की साइड से तो ऐसा लग रहा है कि कोई एयरपोर्ट है, बहुत ही सही बनाया यार, बहुत ही सही बना रहा है, मतलब यहाँ पर भाई आने जैसा है। एक बार यहाँ पर ज़रूर से विजिट करना, साइड से हम लोग जाएंगे, उधर से ना नदी का व्यू मिलेगा अपने को, तो उधर से थोड़ा सही दिखेगा। ये है नर्मदा नदी भाई जो कि सूखी पड़ी है, सरदार वल्लभ भाई। और यहाँ से भाई व्यू देखो, बहुत सही दिख रहा है यार, बहुत सही दिख रहा है।
और यहाँ पे लाइन से पूरा बैठने के लिए बनाया है भाई। यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठने के लिए बनाया है। वहाँ की अंदर की साइड में गार्डन वाला एरिया है और जस्ट बाजू में यहाँ पे नदी है भाई, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आरती होता रहेगा यहाँ पे। और वहाँ पे सामने दूर लिखा हुआ है भाई स्टेचू ऑफ यूनिटी। भाई आपको एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखेगा इधर, एक कागज का टुकड़ा बोलते हैं ना, एक कागज का टुकड़ा वो भी नहीं दिखेगा, इतना ज्यादा क्लीन है ये चीज। तो भाई अल्टीमेट है भाई, देखने वाली चीज है, यहाँ पे जरूर से आना चाहिए। मैं कितनी बार बोल चुका, यहाँ पे एक बार जरूर आना भाई टाइम निकाल के, बहुत अच्छी जगह। और यहाँ पे सारी सुविधा है भाई, सारी सुविधा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, मतलब होटल से लेके फूड कोर्ट से लेके बस की सुविधा, ई रिक्शा की सुविधा। लेकिन एक ही चीज़ है कि हर चीज़ के लिए यहाँ पे टिकट है भाई, हर चीज़ के लिए आपको पे करना है भाई। जैसे जैसे पास जा रहे हैं ना इसके, वैसे वैसे ये लग रहा है कि मुंडी सीधा एकदम 90 डिग्री पे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाइटेड है भाई, बहुत ज़्यादा हाइटेड है ये, मतलब देखने के बाद आंखों से ऐसा लग रहा है कि एकदम 3D इफेक्ट आ रहा है भाई आंखों से देखने के बाद। बाकी भाई यहाँ से देखो, सो गाइस यहाँ से एंट्री है भाई इसका, जो स्टैचू के अंदर जाते हैं ना यहाँ से एंट्री है, और यहाँ से एक और एंट्री है, एंट्री पे एंट्री, और अंदर आते ही भाई कुछ इस तरह का दिखता है ये, और ये कुछ इस तरह का बनाया गया है भाई, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ये जो भी बनाया गया भाई। इनका बेसिकली जो जंगल सफारी होता रहेगा, जो गार्डन वगैरह होते रहेंगे ना, उसके अंदर ये जो जानवर है, पक्षी हैं, उन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं, बड़े यूनिक तरीके से लगाई गई हैं। ये सारी जितनी भी बर्ड्स हैं ना, इनके जंगल सफारी में या फिर इनके गार्डन में जो ऑलरेडी हैं उनकी ही तस्वीरें लगाई गई हैं भाई, जो कि बहुत सही लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो भाई यहाँ के जंगल सफारी में ना तेंदुआ भी है, देखो कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई, हिरन है, ये क्या है, लकड़बग्घा है, और ये क्या है, जंगली सुअर। एक बार लास्ट देख लो भाई अंदर का, ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो भाई यहाँ से भाई लिफ्ट है, यहाँ से ऊपर जाना है वो स्टैचू के ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से एंट्री कर लेते हैं भाई। अंदर की साइड में बहुत अच्छा बना था भाई, बहुत सही लग रहा था, अभी यहाँ से ऊपर जाते हैं। सो गाइस यहाँ से चल के हम लोग आए थे, और इसके जस्ट सामने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, और सामने एक प्यारा सा गार्डन बनाया है। यहाँ से अभी वापस से ऊपर हम लोग जाएंगे, यहाँ से जो ये लिफ्ट है ना यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इधर का व्यू दिखा देता हूँ। ये है नर्मदा नदी, और वो सामने भाई एक पुल है जहाँ से कल रात को हम लोग गए थे, एक मंदिर था वहाँ पर आरती देखी थी। इसके बाद का जो प्लान है वो तो फिक्स है, मैंने टिकट ले लिया ऑलरेडी जंगल सफारी का, और ये लिफ्ट से हम लोग ऊपर आए थे, अभी वापस दूसरे वाले लिफ्ट से यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ से तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब मुंडी को 90 डिग्री से भी टेढ़ा करना पड़ रहा है। ये भाई इधर का बैक साइड है, और इधर से रिवर का व्यू दिखता है। अब ये लिफ्ट जहाँ पे एंड होगी ना, अब सीधा इनके पैरों के पास हम पहुँच जाएंगे। ये देखो भाई, यहाँ से ये स्टैचू स्टार्ट होता है भाई, ये इनके पैर हैं, उधर तक भी नहीं पहुँच रहे ये अंगूठा तो उधर है भाई, चप्पल का ये सोल है, सोल तक भी नहीं हाइट जा रही है, और यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई ये स्टैचू। तो भाई यहाँ से इनका पैर स्टार्ट होता है, और यहाँ से मैं अगर इसको ऊपर करता हूँ ना, तो इनके हाथ तक ही दिख पाता है। अभी हम लोग यहाँ से जंगल सफारी जाएंगे गाइस, और ये जो नदी है ना भाई सूखी नहीं है, इसका जो पानी है ना आगे डैम है वहाँ से बंद किया गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ हैं, वो तो इशू नहीं है, बट कुछ काम चालू भाई इस रिवर का, इस वजह से इसको बंद करके रखा गया है। तो मुझे लगा था कि ये सूख गई है, बट ये सूखी नहीं है भाई, इसमें पानी रहता है इस समय, ये बंद कर फिलहाल, एक मिनट, फिलहाल के लिए बंद किया गया है। अच्छा
ये भाई बीच बीच में ना यहाँ पे देखो ये लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, ये रात को जब जलती रहेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सही लगता रहेगा। भाई ये जो स्टैचू है ना ये टोटल 54 फ्लोर का है। आई थिंक लोग बताते हैं यहाँ पे कि जो दुबई में बुर्ज खलीफा में लिफ्ट लगाई गई है ना वही सेम लिफ्ट काइंड ऑफ यहाँ पे भी लगाई गई है, तो जो कि बहुत फास्ट जाती है और ये टोटल ना 54 फ्लोर का है। सो गाइस ये जो स्टैचू है ना पंच धातु से मिलकर बनाया गया है भाई, जिसमें 85% सिर्फ कॉपर यूज़ किया गया है, बाकी के सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए लेकिन 85 सिर्फ ना कॉपर यूज़ किया गया है इसमें। तो लिटरली भाई यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ बैठे रहो और देखते रहो इस स्टैचू को। और ये जगह बहुत अच्छी बनाई है भाई, और ये जो नदी सूखी पड़ी है ना भाई, मैं पहले बोल दिया था कि नदी सूखी पड़ी है, ये बंद किया गया है भाई, जो पानी ना बंद किया गया है, ये ऐसे नहीं सूखी है, ये भरा रहता है बट ये बंद किया गया है। और इसमें मगरमच्छ भर भर के रहते हैं भाई, बहुत सारे मगरमच्छ हैं इसमें। तो भाई अगर आप चल चल के थक गए हो ना तो चुपचाप आके इस पे आप खड़े हो जाइए, ये आपको लास्ट तक पहुंचा देगा। सो गाइस ये सामने जो बस खड़ी है ना ये अब जंगल सफारी लेकर जाएगी हमको। अब देखते हैं भाई यहाँ का जंगल सफारी कैसा है। लोग तो बता रहे हैं यहाँ पे टाइगर लेपर्ड बहुत सारे जानवर हैं, तो ये बस में बैठते हैं भाई जो कि हमको लेकर जाएगा जंगल सफारी। तो ये है भाई जंगल सफारी का गेट, अब यहाँ पर देखते हैं क्या एक्सपीरियंस करने को हमको मिलता है। आगे की साइड में जाएंगे तो आई थिंक डैम है, आगे से लेफ्ट जाना ना। थैंक यू। एंट्री इधर से, यहाँ से लेफ्ट है या एक्सक्यूज मी आगे से लेफ्ट है क्या? यहाँ से लेफ्ट है भाई। ये है देखो सर्वल कैट। चलो भाई एक चीज़ तो देखने को मिला, सर्वल कैट है ये, इसका रहने का। हाँ ये रहने का इसका घर है भाई। ये इधर आ गई, देखो ये इधर आ गई। पहले मैंने अचानक से देखा तो मुझे लगा तेंदुआ है भाई। सीरियसली पहले मैंने अचानक देखा ना मुझे लगा तेंदुआ है क्या। ये पूरा प्रॉपर कांच लगाया गया है भाई, इसका ये घर है। अभी ये इधर आएगी देखना भाई, बहुत बड़ी है ये, बहुत बड़ी है। ओ इसके अंदर भाई इंडियन लेपर्ड है ये, देखो वो रहा भाई। व्हाइट लायन, अब वो कहाँ पे है, तो बहुत बड़ा है, उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो भाई ये वाले में जैगवार अपना तेंदुआ था, आगे वाले में जैगवार था, इसमें व्हाइट लायन था जो कि हमको व्हाइट लायन दिखा नहीं, बाकी तो दो दिखे थे। अब यहाँ से आगे जाते भाई, यहाँ पे है टाइगर, इसमें टाइगर है जी, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें तो और नहीं दिखेगा। बैठने के लिए इधर ही बनाया है, लेकिन जाके बैठते सब किधर, अंदर बैठते हैं। सर रखिए, अच्छा यहाँ से अंदर जाना है वापस, वहाँ से गाड़ी मिलेगी ना। ओके जी धन्यवाद, थैंक यू। ये है गेट, यहाँ से भी अगला गाड़ी मिलेगा। ओके जी धन्यवाद। ओ भाई अंदर आने के बाद पूरा माहौल ही चेंज हो गया। क्या है सारस? ये तो हमारे इधर भी बहुत है उलवे में, यही है ना। वाह यहाँ पे भाई देखो इसमें क्या है, संघई हिरन, हिमालयी गोरल, ये दो चीजें यहाँ पर हैं। वहाँ पर दूर सब अपना खाना खा रहे भाई, वहाँ पर थोड़े बहुत हैं। दोनों तरफ देखना है आपको, अलग अलग अच्छा। इंडियन वाइल्ड डॉग, सबका राउंड लगा रहा है। ये सामने वाले में ना भालू था, बट वो भी जाके छांव में बैठ गए। ये दोपहर का टाइम है ना, जितने भी जानवर है ना
वो जाके ना छांव में चुपचाप बैठ जा रहे भाई, तो कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। स्टार्टिंग में अपने को क्या मिला था, लेपर्ड मिला था और जैगवार मिला था देखने को, वो दो देखा था हमने। स्टार्टिंग में ही मज़ा आ गया भाई। अभी आगे की साइड में और जा रहे हैं, गाड़ी देखो आ रही है, एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी आने के बाद इसमें बैठते हैं, उसके बाद आगे की साइड में जाएंगे, देखते हैं आगे क्या है। तो भाई जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे ना, उसमें जितने भी लोग बैठे थे वो किधर उतर ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, बोलते नहीं नहीं आगे चलो ये नहीं देखना है, आगे चलो ये नहीं देखना है। हम लोग उतर गए, बोले हमको सब देखना है भाई। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर वो थोड़ा एजेड लोग थे, उनको उतरने के लिए बोर हो रहा था तो वो गाड़ी में ही घूम रहे थे, ऐसे घूमने के लिए आए थे। दरियाई घोड़ा भाई यहाँ पर है। अरे यार वो खा रहा है, वो देखिए भाई सामने है। ये कौन सा मंकी है यार, ये अलग ही लग रहा है पूरा। दक्षिण अमेरिकी कुआटी, ये देखो भाई आराम कर रहा है पास में, एकदम आराम से बैठा है, एकदम रिलैक्स करके। ऐसा लग रहा है अभी बहुत सारा खाना खाया है इसने, चुपचाप आराम कर रहा है। और एक वहाँ पर है भाई देखो, अभी आगे के साइड में जाते हैं, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह लेके खाते हैं भाई। दोपहर के अभी कितना 2:30 बजने वाले हैं। तो गाइज जंगल सफारी तो जितना भी घूमना था हमने घूम लिया, अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पालतू जानवर हैं भाई इस वाले जगह में, और ये इनकी पिंक ई रिक्शाज वगैरह चलती है भाई, कंटिन्यू चलती हैं, और बसेस वगैरह भी कंटिन्यू चलती हैं। आगे की साइड में डैम है भाई, तो वहाँ पर कैसे जाना मुझे आइडिया नहीं, एक बार वो भी पता करते हैं। तो ये है भाई वैली ऑफ फ्लावर, अब इसके अंदर क्या है चल के एक बार देखते हैं। सो गाइस देख लो भाई, यही है वैली ऑफ फ्लावर, और इसके उस तरफ भाई एक अच्छी जगह है, एक या दो अच्छी जगह है। एक यहाँ पे देखो भाई बटरफ्लाई गार्डन है, और यहाँ पे कैक्टस गार्डन है, और बीच में ये नर्मदा नदी है भाई। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। अभी हम लोग ना थोड़ी देर में वहाँ पर ऊपर डैम के साइड में जाएंगे, तो वहाँ पर चल के देखते हैं भाई, वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा। सो भाई चल चल के हम लोग थक गए थे, तो यहाँ पर एक गार्डन था, मैं आपको दिखाता हूँ उठ के। ये देखो यहाँ पे एक गार्डन था, इस साइड में भी बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं, और सामने का जो व्यू है ना वो डैम का है। तो हमारा आगे का क्या प्लान है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं, तो 5 बजे तक हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर जो डैम है ना ये सामने, ये जो डैम है ना यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर 6 बजे तक रहेंगे, उसके बाद 6 बजे हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना एक लेजर लाइट शो होता है, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना वहाँ पर एक लेजर लाइट शो होता है, वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, आधे घंटे का कि 25 मिनट का होता है, वो बहुत ही बढ़िया होता है। बेसिकली हम लोग उसी के लिए रुके हैं, अभी तक जो रुके हैं ना उसी के लिए रुके हैं, नहीं तो हम लोग जोधपुर निकल जाते थे। सो भाई मस्त एक घंटे का हमने ब्रेक लिया था। सेम ये वाला ई रिक्शा लेके हम लोग डैम पे जाएंगे, सामने जो डैम था ना वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर चल के देखते हैं भाई क्या है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या? हाँ। बसेस वगैरह रिक्शा वगैरह सब इलेक्ट्रिक से चलते हैं। हाँ। सही है। सही भाई, ई रिक्शा वगैरह बिल्कुल साउंड नहीं करता है, फटाक से छोड़ भी दिया हमको। अभी यहाँ से 100 मीटर तक ऊपर जाना है हमको, उसके बाद हमको डैम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर चलेंगे भाई, बैठेंगे थोड़ी देर, अभी 5:30 बज रहे हैं, तो 6:30 तक बैठेंगे, उसके बाद रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि 7 बजे लाइट शो होता है, जो मैं बताया था ना स्टेचू ऑफ यूनिटी वहाँ पे लेजर लाइट शो होता है, तो वो हमको देखना है, उसी के लिए हम लोग रुके हैं। तो वो देख के फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे आज ही जोधपुर के लिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ड्रीम था कि ऐसा एक डैम बने जहाँ से गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र तीनों जगह पे पानी जा सके, तो उन्हीं की याद में ये डैम बना गया। और उनका जो स्टैचू है ना, उनका फेसिंग इसी तरफ इसीलिए किया गया कि ये डैम बनकर रेडी हो चुका है, ये बताने के लिए कि डैम आपका जो ड्रीम था वो बनकर रेडी हो चुका है। तो भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुराना स्टैचू है, जो ये डैम बनने के बाद बना था, और ये बहुत पहले का बना हुआ है। तो ये भाई डैम के इस साइड में तो उतना कुछ खास नहीं था, मतलब जो पानी वाला पार्ट था ना वो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से अभी नीचे उतर के हम लोग जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि कौन से रास्ते पे जाते हैं जहाँ से हमको थोड़ा पानी दिखे। शाम के अभी कितना 6 बज चुके हैं भाई, और 7 बजे लाइट शो स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो वो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा
बैठेंगे वहाँ पे, रुकेंगे, उसके बाद आज रात को निकल जाएंगे यहाँ से जोधपुर के लिए, और कल सुबह तक हम लोग जोधपुर पहुँच जाएंगे, उसके बाद मस्त कल से जोधपुर एक्सप्लोर करेंगे। भाई आधे घंटे से बैठे इधर ही, कोई रिक्शा आ ही नहीं रही है, और जो लोग आ रहे हैं ना उनका बुकिंग है। ये देखो यहाँ पे दो रिक्शा खड़ी हैं, इनका ऑलरेडी बुकिंग है, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आधे घंटे से, बस भी नहीं आ रही। यहाँ पे देखो बस स्टॉप भी है। अपना ये लाइट शो कितने बजे तो होता है? 7:15 का होता है ना, और ख़त्म कितनी मिनट का होता है ये? 23 मिनट का होता है भाई लाइट शो। तो उधर से नहीं मिला तो इधर से ही देखिए, यहाँ से भी तो क्लियर दिखता रहेगा। नहीं अच्छा है, शाम को तो और अच्छा लगेगा। हाँ उसी के लिए हम लोग दोपहर से ही रुके, दोपहर को ही हम लोग फ्री हो गए थे एक्चुअली घूम के, बट इसी के लिए लाइट शो के लिए ही हम लोग रुके हैं। सो गाइस शाम के टाइम ना यहाँ पे क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाता है यार। सो गाइस अभी सनसेट वगैरह हो चुका है भाई, और अंदर एंट्री वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है। एक गलती हमने कर दिया कि जो लेज़र लाइट शो होता है ना उसके लिए भी अलग से टिकट लेना पड़ता है। वो आप जब इसके लिए टिकट लेते हो ना, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है इसके लिए जब आप टिकट लेते हो ना उसी में इंक्लूड करना पड़ता है, तो हम लोगों ने नहीं किया था, पता ही नहीं था। तो यहाँ से अभी खड़ा होकर हमको ये लेज़र लाइट शो देखना पड़ेगा। बाकी लोग भी देख रहे हैं भाई, यहीं से बैठ के देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे ये भर जाएगा, देखना। तो ये भाई पार्किंग लॉट एरिया है, पूरा खचाखच भरा था, अभी खाली होना स्टार्ट हुआ है। गाड़ी हमारी देखो यहाँ पे पार्क्ड है। एकता मॉल भाई, ये मॉल भी है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे बाजू में ही ना एक सीएनजी पंप है, पेट्रोल पंप भी है, तो पेट्रोल तो हमारी गाड़ी में फुल है। ये देखो सीएनजी भर लेते भाई, आधा टंकी सीएनजी है तो सीएनजी भर लेते, सब कुछ यहाँ पे भाई, फूड कोर्ट वगैरह सीएनजी पेट्रोल सब कुछ है भाई। ये देखो इस साइड में आगे रेलवे स्टेशन है भाई, एकता नगर, तो यहाँ से भाई सीएनजी भर लेते, खाली है। मुझे लगा था कि यहाँ पे भीड़ रहेगी क्योंकि अभी सब गाड़ियाँ निकली हैं ना वहाँ से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भीड़ रहेगा, बट ये खाली है। और लाइटिंग तो इतना ज़बरदस्त करके रखा है भाई, क्या ही बताएं इनका। देखो यहाँ पर 74 रुपये किलो है। ये सामने भाई देखो एकता नगर रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर पेट्रोल पम्प है, यहाँ पर सीएनजी पम्प है, तो सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है भाई। यहाँ पे सीएनजी भाई 74 रुपये किलो था। यहाँ पे थोड़ा मुंह वगैरह धो लेते भाई। सो गाइस ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है, तो इसको मैं और ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं जोधपुर के लिए, पूरा नाइट ड्राइव होने वाला है भाई, मतलब कंटिन्यू नहीं जाएंगे, बीच बीच में रुक रुक के मस्त एकदम खाते पीते हुए आराम से रुक रुक के जाएंगे, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे। 2-3 दिन तक हम जोधपुर में रहेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, उसके आगे का क्या प्लान है वो आपको बाद में हम बताएंगे, अभी वो हमको भी नहीं पता है। ये वाला मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, और उम्मीद करते भाई वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।